हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप भी दाल चावल खा के हो चुके हो बोर? मैं तो हो ही चुकी हूँ, तो क्यों ना सोचा आज कुछ नया बनाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं आज दाल पुलाव। ये बनाने में इजी और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो मैं इसको बनाने के लिए मैंने लिया है भिगोया हुआ चना दाल, ये हाफ कप है। आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालिए, उसमें जीरा 1 टीस्पून और सारे खड़े मसाले डालकर इसे कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे ही चटकने देते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज कटा हुआ 1 थेम। इसे हम लाइटली ब्राउन होने तक ऐसे स्टियर फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने जिंजर 1/2 टीस्पून लिया है और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून लिया है। इसे भी 2 मिनट के लिए चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब हम भिगोए हुए चने दाल को इसमें डाल देंगे और इसे 2 से 4 मिनट के लिए स्टियर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपने सारे मसाले डालेंगे। तो मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून और 2 हरी मिर्च इसमें डाल के और इन सभी चीज़ों को 2 मिनट के लिए स्टियर फ्राई करेंगे हम। तो जब तक ये चना भूनता है हम अपने चावल को धो लेते हैं। तो मैंने लिया है 1 कप चावल, इसे हम अच्छी तरीके से धो के अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे चावल धुल चुका है, देखिए हमारा चना भी भून चुका है। तो इसमें हम धुले हुए चावल को डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चावल और दाल दोनों भून चुका है। इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं। मैंने 1 कप चावल लिया था, तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी डाला है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अब इसमें 1 उबाल आने दें। जब 1 उबाल आ जाए तो इसके लीड को कवर करके चावल और दाल जब तक पक ना जाए तब तक इसे पकाना है। अब दोनों देखिए हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। यहाँ पे हमारा दाल भी अच्छी तरीके से पक चुका है। तो इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आप देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले पके हैं, वाओ। तो आप अब इसे गर्मा गर्म सर्व करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।